हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ध्यान रखने योग्य बातें एक बार अपना कीमती समय निकालकर जरूर पढ़ें। नंबर एक, अगर हम सही तरीके से और सही समय पर भोजन करें तो कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है। नंबर दो, सुबह का नाश्ता पेट भर करें और खाने के बाद फलों का रस पिए। नंबर तीन, दोपहर का भोजन सुबह से थोड़ा हल्का लें और भोजन करने के बाद छाछ अवश्य पिए। नंबर चार, रात को देर से भोजन नहीं करना चाहिए। रात को खाना खाते ही सो जाने से खाना ठीक से पचता नहीं है। रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले ही कर ले और खाना हल्का ही लेना चाहिए। नंबर पाँच, हाई ब्लड प्रेशर के देसी इलाज के लिए कुछ दिन निरंतर आधा चम्मच मेथी दाना पाउडर पानी के साथ लें। इसके अलावा लौकी का रस और तुलसी का रस भी हाई ब्लड प्रेशर कम करने में लाभ करता है। नंबर छः, दांत का दर्द दूर करने के लिए कच्चे प्याज के एक टुकड़े को 3 मिनट के लिए दांतों के बीच दबा कर रखें। इस उपाय से काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर सात, किडनी में पत्थरी की समस्या हो तो 3 कच्ची भिंडी पतली और लंबी काट कर 2 लीटर पानी में डाल दे और रात भर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दे। सुबह इसी पानी में भिंडी निचोड़ कर अलग कर ले और 2 घंटे के अंदर सारा पानी पी जाए। इस उपाय को निरंतर करने पर किडनी की पत्थरी से निजात मिलती है। नंबर आठ, मुँह की बदबू के उपाय के लिए तुलसी के पत्ते चबाए। लौंग और इलायची से भी सांस की बदबू से छुटकारा मिलता है। शरीर से बदबू आती है तो गाजर का जूस रोजाना पीना चाहिए। इससे तन की दुर्गंध दूर करने में मदद मिलती है। नंबर नौ, बच्चों को बुखार और सर्दी हो जाए तो 2-3 तुलसी के पत्ते और 1 छोटा अदरक का टुकड़ा ले और इनका रस निकाल कर 1 चम्मच शहद के साथ दिन में 2 से 3 बार दे। नंबर 10, शुगर का इलाज घरेलू तरीके से करने के लिए करेले को असरदार बताते हैं। मधुमेह के रोगी को करेले का जूस हर रोज पीना चाहिए। भोजन में भी करेले की सब्जी खाने से भी डायबिटीज़ कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। नंबर 11, मोटापा और वजन कम करने के लिए जीरा काफ़ी असरदार है। 1 चम्मच जीरा रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखे और सुबह उसे उबालकर चाय की तरह पिए और बचा हुआ जीरा चबा कर खाए। निरंतर इस घरेलू उपाय को करने से पेट की चर्बी कम होने लगती है। नंबर 12, सिर दर्द के उपचार के लिए दालचीनी को पानी में पीस कर पेस्ट बना ले और इसे माथे पर लगा कर छोड़ दे। सिर का दर्द दूर करने में ये ट्रीटमेंट दवा से बेहतर काम करता है। नंबर 13, एल्युमिनियम के बर्तन में खाना पकाने की बजाय मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करें। एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल करने से टीबी, वात रोग, अस्थमा और शुगर जैसे रोग होने का खतरा अधिक होता है। नंबर 14, जब भी रोटी बनानी हो ताज़ा आटा गूंदे। कभी भी आटा गूंद कर फ्रिज में ना रखें। इसके अलावा 15 दिन से ज़्यादा पुराने आटे का पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, इसलिए महीने भर का आटा एक साथ ना पिसवाएं। नंबर 15, रिफाइंड ऑयल के सेवन से ब्लड प्रेशर, हृदय और कैंसर के रोग में वृद्धि हुई है। खाना पकाने के लिए कच्ची घाने का तेल ही उपयोग में लाए। नंबर 16, सुबह उठने के बाद सबसे पहले 1 गिलास पानी पिए। ब्रश भी पानी पीने के बाद ही करें। नंबर 17, बाहर से घर आने पर सांस तेज होती है और शरीर भी गर्म होता है, इसलिए ऐसी स्थिति में पानी नहीं पीना चाहिए। थोड़ी देर रुक कर शरीर का तापमान नॉर्मल होने पर पानी पिए। नंबर 18, मैदा का प्रयोग शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए इसका प्रयोग ना करें। नंबर 19, सुबह उठकर 2 गिलास तांबे के बर्तन में रखा पानी पिए। नंबर 20, तांबे के बर्तन में रखे पानी को पीने से कैंसर से लड़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इस पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, यह उम्र के असर को भी कम करने में सहायक है। तांबे के बर्तन में
रखा पानी पीने से पेट की चर्बी कम होती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इस पानी का सेवन करने से दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने की संभावना कम होती है। इससे चेहरे पर भी निखार रहता है और त्वचा की बीमारियां भी दूर होती हैं। नंबर 21, पथरी किडनी के रोगों को मोटापे से बचने के लिए दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिए। नंबर 22, यदि आप अपना खून साफ रखना चाहते हैं तो आपको अंकुरित खाने का प्रयोग करना चाहिए। अंकुरित अनाज में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर को मजबूती प्राप्त होती है। इससे बहुत से रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। नंबर 23, आपको आंत मजबूत करनी है तो गुलाब के पत्ते, सौंफ, इलायची, शहद, इन सब को पीसकर पेस्ट बना लीजिए और फिर 1 चम्मच रोजाना खाएं। नंबर 24, गिलोई जोड़ों में पुराने दर्द और दर्द को भी समाप्त करता है। इसके प्रयोग से सर्दी, जुकाम, कफ, बुखार, संक्रमण दूर हो जाते हैं और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। गिलोई मोटापा और शुगर को नियंत्रित करता है और प्लेट्स बढ़ाने में भी सहायक है। नंबर 25, ठंडा दूध ना पिए, जब दूध हल्का गर्म हो तभी उसे पी लेना चाहिए। नंबर 26, नमक कम मात्रा में खाएं, क्योंकि अधिक मात्रा में इसका सेवन शरीर में पानी की मात्रा को कम करता है। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये नियम अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।